डिवाइसेस पार्ट टू। माउस। वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। माउस एक समतल सतह जिसे माउस पैड कहते हैं, पर हथेली की सहायता से सरकाकर चलाया जाता है। इसमें दो या तीन बटन होती हैं, इससे ज्यादा बटन भी हो सकते हैं, जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर हिलता है। कार्य के स्वभाव के अनुरूप इस पॉइंटर का स्वरूप भी बदलता रहता है। माउस के नीचे की ओर ऑप्टिकल लेजर लगी होती है। समतल सतह पर माउस को हिलाने पर लेजर के आधार पर पॉइंटर की लोकेशन निर्धारित होती है। ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल एक कंप्यूटर का नियंत्रण उपकरण है जिसका उपयोग कई नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटरों में किया जाता है। ट्रैकबॉल आमतौर पर उपयोगकर्ता की ओर कीबोर्ड के सामने स्थित होता है। ट्रैकबॉल एक उल्टा माउस है जो एक सॉकेट के भीतर जगह में घूमता है। यूजर स्क्रीन पर कर्सर को इच्छित जगह पर पहुंचाने के लिए गेंद को घुमाता है। माउस की तरह ही ट्रैकबॉल में बटन होते हैं जिससे कंप्यूटर के अंदर की चीजों के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है। जॉयस्टिक। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैकबॉल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। सामान्यतः यह कंप्यूटर पर गेम खेलने के काम आता है। इसमें बॉल को घुमाने के लिए छड़ीनुमा हैंडल लीवर होता है जो चारों दिशाओं में आसानी से घूम सकता है तथा स्क्रीन पर पॉइंटर की स्थिति पर भी नियंत्रण रखता है। जॉयस्टिक के हैंडल पर माउस की तरह बटन भी लगे होते हैं जिन्हें ट्रिगर्स कहते हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिम्युलेट, औद्योगिक रोबोट पर नियंत्रण रखने इत्यादि में किया जाता है। वर्तमान में ऐसे माउस आते हैं जिनमें ऑप्टिकल लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के माउस में ऑप्टिकल लेजर की जगह गेंद का इस्तेमाल किया जाता था। लाइट पेन। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी आकृति बनाने के लिए किया जाता है। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन में एक फोटो सेल होता है। जब हम लाइट पेन से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई पिक्चर या आकृति बनाते हैं तो इसकी पल्स स्क्रीन से ट्रांसमिट होकर प्रोसेसर के अंदर प्रवेश कर जाती है। लाइट पेन का प्रयोग मेन्यू में दिए गए ऑप्शन को चुनने में भी किया जाता है। इसके द्वारा बनाई गई किसी भी आकृति को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया जा सकता है। कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आदि के कार्यों में बहुतायत से इसका प्रयोग किया जाता है। और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों सगे संबंधियों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।